भाजपा ने दो जगह सीएम विवाद को लेकर के चल रहा विवाद एक जगह का सुलझा लिया है और सुलझाने के लिए स्पेशल तौर पर मनोहर लाल खट्टर की ड्यूटी लगाई गई थी। तो ऐसे में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बड़ी राहत की सांस ली है, तो वही मनोहर लाल खट्टर भी अपनी इस जिम्मेवारी में कामयाब होने के बाद गदगद हो रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया गया है, तो वही राजस्थान में अभी सीएम विवाद चला हुआ है। स्पीकर बनाने को लेकर के सीधे वसुंधरा राजे ने मना कर दिया है कि सीधे हम तो सीएम का पद लेंगे, ना कोई किंतु परंतु नहीं है, ना कोई स्पीकर ना कोई डिप्टी सीएम। तो वो सीधा मामला वहां अटका हुआ है, और मामला भी इसलिए अटका हुआ है क्योंकि वहां पर राजस्थान में जो कांग्रेस है वो भी जो विपक्ष है वो मजबूत है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे का मामला सुलझता मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि राजस्थान राजनाथ सिंह की ड्यूटी वहां पर लगाई है। खैर, अब शिवराज सिंह चौहान को लेकर के सोशल मीडिया और मीडिया में तमाम जगह खबरें चल रही हैं कि गुजरात लॉबी ने अपना एक बड़ा कांटा निकाल दिया है। पहले संसदीय बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया और अब सीएम पद से उसे उन्हें हटा दिया गया है। इससे पहले रमन सिंह को स्पीकर बना दिया गया था छत्तीसगढ़ में, जबकि वो पहले सीएम रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में तब खेला हो जाता है जब एकनाथ शिंदे को तो सीएम बना दिया जाता है और सीएम रहे फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस को वहां डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि गुजरात लोभी रिमोट भाजपा का अपने हाथ में रखती है। वो समझा देती है कि जैसा दिल्ली इनके गुजरात लोभी चाहेगी वैसा ही होगा। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेता जिसे हम तोरम खा भी कह सकते हैं चुनाव जीत करके आए थे, वो आशा लगाए बैठे थे कि सीएम तो हम बनेंगे। नाम भी उनका मीडिया में चला, लेकिन बाजी मोहन यादव मार गए। और कहा यही जाने लगा मनोहर लाल खट्टर की जो स्टेटमेंट आई कि संगठन में हर किसी के ऊपर नजर होती है, जो संगठन में काम करता है संगठन का पूरी देखरेख करता है, बेशक से वो आखिरी पंक्ति में हो सीएम उसे ही बनाया जाता है। क्योंकि तो मनोहर लाल खट्टर भी इसी प्रकार से मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जबकि हरियाणा में कैप्टन अभिमन्यु के अलावा रामविलास शर्मा और अनिल विज वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे। मनोहर लाल खट्टर पहली बार चुनाव लड़े और सीधे सीएम बन गए। ऐसा ही अब मोहन यादव के साथ हुआ। हाँ, मोहन यादव तो उज्जैन से पहले भी चुनाव जीते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि सीएम की दौड़ में उनका नाम होगा। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहदेव का नाम, जो कि आदिवासी उससे आता है और ये ओबीसी से आती है। तो इस प्रकार से एक अब नए सीएम का बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपनी रणनीति से चुनाव को जिता कर आए, क्योंकि उन्होंने पूरी चुनावी खुद वो स्टार प्रचारक बने, खुद ने सब कुछ संभाला, वहां पर लाडली बहना और तमाम उन्होंने योजनाएं लेकर के आए, वहां पर गुजरात लोग भी बहुत कम गई है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को आखिरकार उसको आईना दिखाई दिया, उसे समझा दिया कि सरकारें तो दिल्ली से चलेंगी। खैर, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनने की शुभकामनाएं। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे नए विश्लेषण में, तब तक देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा। जिंदाबाद।